रोहतास नगर के विधायक जितेंद्र महाजन ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ चादरा उत्तरी क्षेत्र के उपायुक्त अमित कुमार का घेराव किया। जितेंद्र महाजन ने बताया कि मानसरोवर पार्क क्षेत्र की जनता पिछले कई दिनों से अवैध रूप से खोली गई शराब की दुकानों का विरोध कर रही है। वहीं दूसरी ओर निगम के अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से विभिन्न प्रकार के टैक्स बढ़ाने की घोषणा की गई है। विधायक जितेंद्र महाजन के अनुसार पिछले 3 महीनों में इस अवैध शराब की दुकान के खिलाफ लिखित तथा मौखिक रूप से शिकायत करने पर कोई कार्यवाही निगम अधिकारियों द्वारा नहीं की गई है। वहीं दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों की अनदेखी कर उपायुक्त द्वारा क्षेत्र में दौरे किए जा रहे हैं तथा निगम द्वारा मनमाने ढंग से टैक्स की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है, जिसमें जनता में भयंकर रोष है। इसके बाद मुद्दों को लेकर विधायक जितेंद्र महाजन के नेतृत्व में अमित कुमार का घेराव किया गया। उपायुक्त अमित कुमार ने मौके पर जाकर अवैध शराब की दुकान का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उपायुक्त अमित कुमार ने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिस बिल्डिंग की बात की जा रही है उसमें कोर्ट के देश पर निर्माण किया जा रहा है। 5-6 महीने पहले का मैटर है, उसमें उस समय एट द टाइम जो उन्होंने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन वगैरह किया था तो सील हो गई थी बिल्डिंग। फिर वो कोर्ट में मुद्दा गया तो कोर्ट ने जो है डायरेक्शन दिया कि भाई एक आप कमेटी बना के इसे अपॉर्चुनिटी दी जाए, और अपॉर्चुनिटी देने के बाद उसे माइनर रिपेयर की जो कार्रवाई करने की जो है कोर्ट ने आदेश दिए। तो माइनर रिपेयर करने के बाद कोर्ट के आदेश पे वो बिल्डिंग सील हो गई। बट ये जो विधायक और काफ़ी सारे लोग जो वहाँ लोकेलिटी के हैं वहाँ पे ठेका खुलने से परेशान हैं। बट है क्या, ठेका हम बंद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉमर्शियल रोड है, ठीक है। बट उनकी एक जेन्युइन शिकायत है कि पिछले उन्होंने जो बिल्डिंग ओनर हैं वो पिछले 1-8 महीने में जो है 10-11 दुकान और कॉमर्शियल उनके शटर वटर खोल दिए हैं। तो उसका मैंने बिल्डिंग डिपार्टमेंट वालों को इमीडिएटली जो है एक्शन लेने का आदेश दे दिया है। तो शो कॉज नोटिस इशू हो जाएगा और जल्दी से जल्दी उन दुकानों को हम सील करने की कोशिश करेंगे। कैसे? अरे यार, बेसिकली ये जो है 2-1 बिल्डिंग वगैरह में कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा होगा टाइप वगैरह, तो उसको बोला है मैंने, उसको एक्शन लेने के लिए बोला है टाइप। आज जन सुनवाई के दौरान नगर निगम के डीसी का हमें घेराव करना पड़ा। पिछले 3 महीनों से हम मानसो पार्क में अवैध रूप से खोले गए शराब के ठेके का विरोध कर रहे हैं। एक अवैध बिल्डिंग जो 2 बार डेमोलिशन हो चुका है, 1 बार सील हो चुकी है, और जिसके अंदर सील तोड़ने की रिपोर्ट खुद MCD पुलिस में कर चुकी है। ऐसी अवैध बिल्डिंग के अंदर शराब का ठेका खोला गया, मगर बार बार शिकायत करने के बाद भी नगर निगम खामोश है। दूसरा, जिस प्रकार से नगर निगम ने टैक्सों की भरमार कर दी गई है, छोटे छोटे दुकानदार, चाहे वो धोबी है चाहे वो छोटी दुकान करने वाला है, उनके ऊपर जिस प्रकार से टैक्सों की भरमार कर दी गई है, इन सब मुद्दों के ऊपर आज जन सुनवाई के दौरान हमने DC का घेराव किया और DC से ये अनुरोध किया कि इस अवैध के शराब के ठेके के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और नगर निगम के अंदर जो अधिकारियों ने तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है, बिना जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिए हुए जिस प्रकार से टैक्स लगाए जा रहे हैं और जिस प्रकार से इलाके में दौरे किए जा रहे हैं, इन सभी बातों का विरोध करने के लिए आज हमने DC का घेराव किया। सर, कुछ वहाँ जब आप लेके गए DC को वहाँ पे दौरा करने के लिए मौके पे, वहाँ पे कुछ अवैध निर्माण होता दिखाई दिया सर, उस पर क्या कार्रवाई, कुछ JEE है जो मिली भगत इन पर आरोप लग रहे हैं? DC साहब का जब हमने घेराव किया तो DC साहब से हमने अनुरोध किया कि आप मौके पर चलकर देखिए कि किस प्रकार से अवैध निर्माण चल रहा है और अवैध निर्माण के अंदर शराब की दुकान चल रही है। DC श्री अमित कुमार मौके पर गए और उन्होंने खुद जाकर वहाँ के स्थानीय लोगों से बात की। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 1-2 महीने के अंदर इस मार्केट का निर्माण किया गया है और लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई और अवैध शराब की दुकान को लेकर लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। DC ने तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि नगर निगम इस अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करेगी और जिस प्रकार से बेहताशा टैक्सों की भरमार नगर निगम दिल्ली के लोगों को दे रही है, इसको भी वापस लेगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।